नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं जैसे कि राजस्थान के जैसलमेर में जैसे कि आप विजिट कर रहा था और देख रहा था दर्शनीय स्थल, साथ साथ मैंने कुछ ऐसे ऐतिहासिक दर्शन भी देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वो ऐतिहासिक दर्शन आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो अब हम पहुँच चुके हैं राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा गाँव में। जैसे आप देख पा रहे हो कुलधरा गांव, जैसे आप देख पा रहे हो इसके बारे में पूरा विस्तार से लिखा। जैसे कि आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, जो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, कुछ सच्चाई आपको दिखाने वाला हूँ जो आज तक आपको यूट्यूबरों ने जो भी हमारे जो वीडियो बने हैं उन्होंने आप सभी को मुझे लगता है गलत इन्फॉर्मेशन दिया, गलत जानकारी दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं यहाँ भूतों का वास है। मैं सच बताऊँ यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। लोग कहते हैं यहाँ रात को भूत रहते हैं। जब रात को भूत रहते हैं तो मैं कहता हूँ हमारा एक जवान पुलिस का यहाँ पूरी रात गुजारता है। साथियों, कुलधरा के बारे में जो कहानियाँ बनी हुई है वो फिल्मी स्टाइल में बनी हुई है, रियल में तो कुछ किसी ने बताया ही नहीं है। क्यों, हमने क्या है? सुना वही आगे बताता है। तो एक को अगर हम एक किलो भेजेंगे ना, आगे जाके वो पाव ही नहीं मिलेगा किसी को, और जानकारी गलत पे गलत दी जा रही है। और इसकी कहानी हम यहाँ के गाँववासियों से लेके मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं अपनी जुबानी नहीं दूंगा, गाँववासियों से। वो एक होता है ना सक्षम, एक बुजुर्ग और यहाँ पे पदाधिकारी हो या उनकी कुछ जिम्मेदारी हो, उनसे जानकारी लेंगे। हो सकता है मैंने भी सुनी सुनी ना कह दूँ इसलिए। और गांवों की बात करें, अगर यहाँ देखेंगे गौर से, मेरे सभी भाइयों से कहूँगा, ऐसा लगेगा कि कितनी नहीं हजारों आबादियों में गांव थे। जैसे कि आज के टाइम में 30-40 घरों के भी गांव हैं, लेकिन यहाँ पर अंदाज़ा लगा लो कितने घरों में पूरा गांव बसा हुआ था। लेकिन आज की तारीख में अब कोई भी यहाँ व्यक्ति अपना घर या अपना चूल्हा नहीं जलाता है। जी हाँ, इसकी कहानी हो सकती है कुछ, अब ये बाउंड्री बना के मेरे साथियों या सरकार के अंडर में, और यहाँ पर देख रेख सारी सरकार कर रही है, फिर भी मैं यहाँ से बात करूँगा। लेकिन यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं कुछ गांवों से, आसपास के शहरों से जो घूमने आते हैं उनसे, वो भी आ रहे हैं। और हमारे जैसे कि देख पा रहे हो अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। मैं काका श्री, आप लोग का नाम है, शुभ नाम है? मारनो है दलजी। दलजी पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण। जी हाँ, कि सुनिए कि ओए गांव पालीवाल आ रहे हो? हां, कुछ दिनों मारुज गांव है। ओ सारे गांव है? हां, मैं तुम देखने वास्ते आया हूं। आज गांव ने देखने वास्ते एक बुजुर्ग हमारे चाचा, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? उम्र मारी 75 वर्ष के हैं। और उनके याद आ गई गाँव की, वो गाँव को अपने देखने के लिए आए हैं। और काका, जैसे कि लोगों का कहना है यहाँ पर कुछ गांव छोड़ के गए, कुछ लोगों का कहानी बना रहे भूतों की, कुछ कहानी क्या है, सच्चाई क्या है इसकी? हमको ये लड़ाई झंडा हो गया वाटे दरबार हमारे आपस में टक्कर होगी, छोड़ दीजिए। पर काई वजह हुई टक्कर, काई वजह लड़ाई हुई? कोई खोटी दृष्टि होगी, मतलब लड़कियों पर नो नशे करो। अच्छा, मुसलमान है दरबार ना? तो राजपूत बे क्यों मान पाली वाली छोरी पन्ना? अच्छा, कोई छोरी पसंद आ गई? अच्छा, तो काका का कहना है और राजा की बुरी नजर इस गांव की लड़की पे पड़ी, और उस लड़की की इज्जत के लिए नजर ही नहीं पड़ी हो तो ये पाए कंधा लिया, मतलब कोई सेना से सेनापति या कोई ऐसा होता जिसकी नजर पड़ गई कहीं रहते कहीं। लेकिन आज इस गांव में कोई नहीं रहता है? अब कोई नहीं रहता? हम अटको नहीं, तो अभी वहाँ राजा भी नहीं है, फिर भी क्यों नहीं रहते कोई? मैं तो अटम पानी नहीं पियो न पीना वही गुना मन तो। अच्छा, क्या चीड़ो है वो? यहाँ पे इनका पानी पीना भी गुना है और रियल में? और भूतों वाली कहानी तो नहीं है ना? भूतों की कोई कहानी नहीं है ना यहाँ पर? मैंने जाते पानी नहीं पीना सही थे। अच्छा, और ये सारे बाद में बनेंगे? ये भगवान तो पहले मारे बनाए रहा हो मकान थार बड़ा बड़ा। हां, कुछ पाचा में तेरा बिटवीन कराया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाजी बाटा जुड़िया नहीं? हां, जे के पास हावन कराया है। अच्छा अच्छा, इनमें गाड़ी होती है? हां, गाड़ी होती। अभी चाचा जी बता रहे हैं गाड़ी होती, तो पीछे से बताना थोड़ा सा मेरे बड़े भाई, यहां पे गाड़ी होती थी उस समय आज से 300 साल पहले? हमारी में सहाद ब्रदर जी मोटायो बड़े। हां, जरा में गाड़ी पड़ी थी भाई, अब गाड़ी ले गया बंगाल में तोला दिया। ये बहुत वर्षों बाद हमारे चाचा गांव को देखने आए, गांव की याद आती है, हमें भी आती है कभी कभी, हम बाहर होते हैं गांव की याद आती है। और भगवान के मंदिर भगवान रहे, कृष्ण भगवान रहे,
अच्छा पहले की मंदिर है। अच्छा ये इनका ही किया हुआ है, इनके बडेरों का किया हुआ है और अपने बडेरों का मकान किया हुआ, तुम बडेरों की ईंट लगाई हुई देख रहे हो तो हृदय को कुछ आपने यहाँ पे जैसे आए हो क्या कहना चाहोगे यहाँ के बारे में, सुकुंद्रा गांव के बारे में? पहला नुथे चल से गुजराती चले हिंदी नहीं गुजराती। हाँ हाँ पहला नुथे जो हमारे जाविया छे पहला नुसु होतु पहला नी संस्कृति सु छे ये जो हमारे बहुत साल पुरानी, कम से कम 200 से 300 साल पुरानी और उस समय के टायर भी दिखाता हूँ। ये पाली वालों की गाड़ी है जैसे आप देख पा रहे हो, बैलगाड़ी कहते थे ये, हमें बस आज के टाइम में मिलती नहीं है तो पहले के टाइम में आज ऐसे टायर थे जैसे आप सबको पता है, आज तो फिर भी लोहे के रबड़ के ट्यूब के हवा के टायर थे लेकिन पहले के टाइम देख पा रहे हो आपको, और उस समय भी ये मजबूती इतनी थी कि आज की हमारे कोई भी कारीगर इतनी मजबूती के साथ नहीं कर पाते हैं काम, हो सकता है समय क्या हो तो या मशीनों की वजह से, लेकिन फिर भी इतनी मजबूती के साथ आज का काम नहीं हो पाता। आज के देखेंगे कोई भी घर के अगर हमारे सुथार अगर दरवाज़ा बनाएगा 4 से 10 साल के बीच में उसके कोई ना कोई नट लूज हो जाएगा और आज ये 300 साल पुरानी है, लकड़ी का टायर, वो लकड़ी का टायर है, दो बेल लगते थे एक उस साइड एक इस साइड, तो फिल्मों में हम देखते हैं वो बनावट होता है, ये रियल है। ये दूरी लेकिन साथियों अब आपको मैं पाली वालों का जो घर दिखाने वाला हूँ पहले का जैसा ही है, उसमें कोई बनावट नहीं किया या कोई रिपेयरिंग नहीं की हुई है, वो घर दिखाना चाहता हूँ आज से 200-300 वर्ष पहले किस प्रकार के मकान होते थे। हालांकि अगर देखना चाहते हो पहले का टाइम आप देख सकते हो, पहले का कल्चर पहले का समय का में किस प्रकार लोग जीवन व्यतीत करते थे वो देखने की कोशिश करेंगे। मैं अपने साथी से निवेदन करूँगा हमारे एक बार फॉलो करें। लोगों ने जैसे बनावटी कहानियां बताई है ना वो बिल्कुल झूठी की झूठी है, कुछ सच्चाई नहीं है। पहले एंट्री होते ही आज भी ऐसा लगता है कि कितना शानदार घर है, और वो ये घर बहुत संपन्न लोगों का होता था, और घर के एंट्री होते ही ये बरामदा है, इसे हम बरामदा कहते हैं। अगर इस वीडियो में मारवाड़ी ज़्यादा यूज हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि हमारी मातृभाषा ही मारवाड़ी है। अगर फॉरेन में या इंडिया राजस्थान से बाहर देख रहे हैं उनको कौन समझ आएगा। ये एक बार शिलिंग दिखाना मेरे भाई, जैसे ये सीलिंग देख पा रहे हो उस समय ये सीलिंग लकड़ी की थी, बीच में देख से बम्बू डाले हुए हैं, ऊपर खाद डाली उसके ऊपर फिर गोबर का लपे मतलब मिट्टी का गोबर का मिला के वो डालते थे, हम आज की भाषा में उसको गारा नीपना कहते हैं शायद, और पता नहीं थोड़ा सा अगर मैं भी अगर आज की कल्चर में जीते जीते भूल गया, गारा नीपते थे। उसके बाद ये पानी से चाहे बारिश से कुछ भी आंधी तूफान सबसे बचा होता था, ये आज की सीलिंग मान सकते हो, इसको देख पा रहे हो उस समय का है। और मैं अब अंदर चलते हैं, इसको कहते हैं जैसे वो तो अंदर का मेन गेट हो गया, ये आंगन में जाने के लिए इसको मोड़ा कह सकते हैं, धुरी मोड़ा कह सकते हैं, ये आज से 2 फीट चौड़ा है और पत्थर का बना हुआ है। फिर वही दर्शन आपको मिलेगा कि सीलिंग लकड़ी की मिलेगी ऊपर थोड़ा सा, और आगे थोड़ा आगे आने के बाद ये आंगन है, आंगन है चारों तरफ से खुला है, खुलेदार हवा क्यों जिससे पूरे घर में रोशनी मिल सकती है। और ये है ये पाली वालों की तुलसी बोने के लिए गट्टा कहें या तुलसी का घर कहें या तुलसी का मंदिर कहें, ये है जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर तुलसी बोई जाती थी और आज भी इसके अंदर हमारा सौभाग्य है ईसाई तक तुलसी है, नहीं दूसरा है ये तुलसी नहीं है, सॉरी लगा मुझे ऐसा तुलसी होगी, तुलसी नहीं है। फिर अंदर आने के बाद लोगों ने अपनी अपनी यादें लिखी है, जो यहाँ आते हैं अपनी अपनी यादें लिखी हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भाई को कहीं पर जाते हैं नहीं लिखना चाहिए लेकिन फिर भी लिखते हैं। अंदर जा रहे हैं जो अंदर गुफा जैसा महसूस हो रहा है, हालांकि लोग अंदर एक गुफा भी है, पहले तो मैं रूम दिखाता हूँ, और ये अंडरग्राउंड है जैसे आप देख पा रहे हो, उस समय भी लाइट है, हमारे पास लाइट है क्या देखते हैं, पहले हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। उड़ जाना भाई तू
कट आउट करना पड़ेगा वीडियो। ये देखिए अंदर क्या चीज है, रास्ता है क्या, बोतलें वगैरह पड़ी है। साथियों हमारे जो बेवड़ो आ रहे हो मुझे व्यारा हो असम डर आ रहा है। हमारे साथी कैमरामैन को डर लगने लगे या हमारे दोस्त है, हम उनका नाम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि गुप्त रखा गया है पिछली बार की तरह आपको पता है। किस गांव आया का आया गुजरात से आयो गुजरात। अच्छा मारवी मंदी क्या कल्चर मारवी जान जान पूछो क्या लागे मारवी मारवी गुजराती चेहरा मिल रहा है तुम ठाई कौन पड़े क्या तो गुजरात अखो मारवाड़। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जोशी जील। जोशी कहाँ से आए हो? गुजरात से आए हैं। अच्छा यहाँ कब आए थे जैसलमेर? कल आए हैं। अच्छा क्या लगा घूमने की कहाँ से कैसे विचार आया कि यहाँ पर आना चाहिए आपको इस खंडर जैसे एरिया में? कुछ नहीं बेकार है ये बेकार है देख के टाइम वेस्ट किया क्या?